मेरा नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ लिंक वन सेक्टर में। ये एक टाउनशिप है अंसल गोल्फ लिंक वन। इसमें प्लॉट इन्होंने पहले निकाले थे, आपका ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के ज़मीन लेने से पहले अंसल ने यहाँ पर ज़मीन ले ली थी और यहाँ पर प्लॉटिंग की थी। तो मैं एक बार थोड़ा लोकेशन का डायरेक्शन दूंगा, फिर साइज़ के बारे में हम बात करेंगे, फिर अंदर हम इसका पूरा विजिट करके आपको दिखाएंगे और इसकी सर्विस रोड का भी विजिट करके दिखाएंगे। तो साथियों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लिंक रोड है आपका 45 मीटर की, जो सीधा आपका जब उधर से एक्सप्रेसवे से आप आ रहे हैं तो नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे से अंडरपास लेके जब आप चलते हैं यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ, तो वहाँ ये अंसल गोल्फ लिंक वन का आपका ये इस तरीके से गेट आता है। ये सामने आप देख रहे हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन अंसल गोल्फ लिंक वन। तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये अंसल गोल्फ लिंक की टाउनशिप है और इसमें आपके प्लॉट हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा साइज है वो 500 मीटर का है, 600 गज का, और उसके बाद है आपका 400 मीटर का, उसके बाद 300 मीटर, उसके बाद 250 मीटर का, उसके बाद 125 मीटर का। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है एक, और ये कनेक्टिविटी के माध्यम से हम देखें तो परी चौक के सबसे नियर बाय है, और उधर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो भी सबसे नियर बाय सबसे पहले ये कनेक्ट होती है। तो साथियों, इसके अंदर आप रेजिडेंस बना सकते हैं। ये ग्रेटर नोएडा की सबसे वन ऑफ मतलब फ्री होल्ड सोसाइटी है और इसमें प्राधिकरण का कोई रोल नहीं है, इसमें आप अपना रेजिडेंस बना सकते हैं। तो इसको मैं एक बार आपको अंदर से भी दिखाऊंगा और इसमें कुछ यूनिट्स हमारे पास सेल में हैं, वो यूनिट्स में मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार मैप पे इसकी नज़र मार लेते हैं, मैप पे आप इसको देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इसका लेआउट है, ये इसके दो एंट्री गेट हैं, एक एंट्री गेट ये है एक ये है, दोनों एंट्री गेट से आप एंट्री कर सकते हैं। ये 24 मीटर की रोड है, इधर भी ये 24 मीटर की रोड है। फ्रंट पे जो साइज़ दिया है वो 500 मीटर का साइज़ है 600 गज का, और इधर जो साइज़ दिया है ये आपका 400 मीटर का साइज़ है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट साइज़ में जाएंगे तो 300 मीटर का साइज़ है। ये जितने भी आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ये सभी 300 मीटर के साइज़ हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे तो ये 250 मीटर का साइज़ है, फिर 125 मीटर का साइज़ है। तो इस तरीके से ये यहाँ का सेक्टर डेवलप कर रखा है अलग अलग। तो साथियों, अभी हम आ गए हैं अंसल गोल्फ लिंक वन, गेट नंबर 2 से हम एंट्री अभी कर रहे हैं, और ये अंदर आप देखेंगे ये सोसाइटी है, प्रॉपर टाउनशिप बनी हुई है। तो मैं प्रॉपर टाउनशिप आपको अंदर से दिखाऊंगा एक बार। ये देखिए आप, हमने अभी 24 मीटर रोड से एंट्री करी है और ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये इधर मकान बने हुए हैं। उसके बाद अभी यहाँ से मैं लेफ्ट लूँगा तो हम एक बार बाहर बाहर इसके घूमेंगे। यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है, लेफ्ट लेके अभी हम आगे चल रहे हैं। तो ये इधर देख रहे हैं आप, एक मकान बना हुआ है। ये आगे जो देख रहे हैं ये पार्क है। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, ये आपको दिखाऊं मैं, ये सामने मकान बन रहे हैं, इधर कंप्लीशन हाउस पड़ा है ये खाली। ये देखिए ये मकान प्रॉपर बना रहे हैं, ये इधर इनकी कॉमर्शियल मार्केट है। ये ग्रेटर नोएडा की वन ओनली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसमें प्राधिकरण का कोई रोल नहीं है और ये फ्री होल्ड है। ये आप देख रहे हैं ये कंप्लीशन बना हुआ है, इधर ये इसकी ग्रीन बेल्ट है, ये आप देख रहे हैं सामने मेट्रो जा रही है। ये देखिए आप लोकेशन, सामने मेट्रो जा रही है, ये सामने जो अपार्टमेंट आपको दिख रहा है ये एनआरआई एसडीएस है, एनआरआई की रेजिडेंसी है। तो बिल्कुल नियर बाय परी चौक है, तो काफी प्राइम लोकेशन है। और जैसे ही आप ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेसवे से आते हैं तो ये फर्स्ट कॉलोनी है ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेसवे से। जब आप नोएडा ग्रेटर नोएडा टू नोएडा आ रहे हैं तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट कॉलोनी मिलेगी ये अंसल वाली। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ,
यहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा, देखिए कितना शानदार इन्होंने अंदर वो बनाया है, ट्विन टावर्स। ये आपका यहाँ पे इन्होंने ट्विन टावर्स बनाया है, देखिए बिल्कुल ट्विन टावर्स के पास में हमारे पास प्लॉट एक सेल में है, तो मैं वो प्लॉट भी आपको दिखा देता हूँ। 150 गज का मेरे पास एक प्लॉट है सेल में, ये ट्विन टावर्स है सामने, ये जो देख रहे हैं आप, और उसी के जस्ट बराबर में यहाँ पे मेरे पास 150 गज का एक प्लॉट सेल में है, बिल्कुल लोकेशन ट्विन टावर के साथ में लगी हुई है और ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन है और आप परचेज कर सकते हैं इस प्लॉट को हमारी कंपनी के माध्यम से। अभी मैं आपको जो लोकेशन आगे की दिखाता हूँ, हम चलते हैं आगे की लोकेशन के साथ। ये है ट्विन टावर्स होटल जो आप देख रहे हैं, इसके बाद की आगे की जगह अभी खाली पड़ी हुई है, ये जो सामने देख रहे हैं, इधर राइट साइड में लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये राइट साइड में लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो साथियों इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफी प्राइम लोकेशन है, आप यहाँ सेल परचेज कर सकते हैं। अंसल गोल्फ लिंक 1 काफी प्राइम लोकेशन है, देखिए आप यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं अपना घर बना के, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे अपना घर बना के। तो इस तरीके से हमने आपको सारी वीडियो के माध्यम से इस अपार्टमेंट को, इस टाउनशिप को दिखाने की कोशिश करी है, बाकी और भी आगे मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये अंसल की टाउनशिप है, अंसल गोल्फ लिंक 1। ये देखिए प्रॉपर 70% तक टाउनशिप बसी हुई है, 30% लोगों के मकान अभी प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, ये भी जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है नॉलेज पार्क 1, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही परी चौक है। और इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे तो मॉल्स हैं और रेजिडेंस सोसाइटियां हैं, ये पूरा अंदर का मैंने आपको डेवलपमेंट दिखा दिया है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्ट है कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से। और अगर हम नियर बाय एयरपोर्ट की बात करें तो 20 मिनट्स का टाइम लगेगा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी तक पहुंचने में। सबसे मेन चीज है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, आप तुरंत परचेज करके तुरंत अपना घर बना सकते हैं, आपको तुरंत रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी। और ये भी नहीं है कि भाई कोई नई कॉलोनी बस रही है, तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 60% लोगों ने अपने घर यहाँ बना रखे हैं। नियर बाय की हम बात करें तो नियर बाय में स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक हैं, मॉल्स हैं, तो काफी नियर बाय हमारी ऐसी लोकेशन है, ज्यादा हमें दूर जाना नहीं पड़ेगा अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए। यहाँ पे आपका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, लोकेशन के मामले में नंबर 1 है, ये बेस्ट लोकेशन है, इसमें बैंक लोन अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, तुरंत आपके नाम हो जाएगी और आप तुरंत इसका पोजेशन लेके अपना और रेजिडेंस बना सकते हैं।
ये इसकी 24 मीटर की रोड है, अभी हम बाहर की साइड में जा रहे हैं साथियों। ये देखिए आप, यहाँ प्रॉपर मकान बना रखे हैं लोगों ने, तो इस तरीके से आप इस लोकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी प्राइम लोकेशन है ये। ये सामने आप देख रहे हैं, जैसे अभी गेट से बाहर हम निकलेंगे तो आपके जस्ट सामने नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेसवे आएगा, प्लस आपका उसके जस्ट बराबर में सर्विस रोड है। सर्विस रोड के साथ साथ अभी हम चलेंगे तो ये भी पूरा अंसल का है। ये देखिए आप, ये इसका एंट्री गेट है अंसल का। अभी इसकी सर्विस रोड पे हम चल रहे हैं और सर्विस रोड के साथ साथ मैं इसका दिखाऊंगा कि इसमें क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रखी है लोगों ने। तो ये आप देख रहे हैं, अभी हम सर्विस रोड पे हैं। सर्विस रोड के कॉर्नर पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनका बना हुआ है। ये देखिए, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये आप जस्ट सामने जो देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल कॉर्नर पे। और ये यू टर्न लेके अंडरपास जब आप आएंगे तो इस यू टर्न से आपको आना, ये सामने मेट्रो स्टेशन है जो सामने आप देख रहे हैं। अभी हम आपको चलते हैं, ये 60 मीटर की रोड है सामने जो जा रही है। अब यहाँ से हम सर्विस रोड पे चलते हैं, एक बार आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोगों ने एक्टिविटीज कर रखी हैं सर्विस रोड पे। तो साथियों, ये सर्विस रोड पे अभी हम चल रहे हैं। ग्रीनरी के मामले में ग्रेटर नोएडा एक नंबर पे है। ग्रीनरी ग्रेटर नोएडा में काफी अच्छी है और लोगों को रहने में काफी अच्छा लगता है। ये सर्विस रोड की प्लॉटिंग है इसकी, ये 500 मीटर की प्लॉटिंग है 600 गज के आसपास। और ये देखिए आप, ऑलमोस्ट लोगों ने कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रखी हैं क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसमें लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर लेते हैं। ये देखिए आप, कितना सुंदर घर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये सारी हमारी सर्विस रोड पे अभी देखिए हम चल रहे हैं और काफी ग्रीनरी है। जितने भी प्लॉट्स हैं काफी लोगों ने कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर लिए हैं क्योंकि ये बड़ी रोड के साथ लगे हुए प्लॉट्स हैं। ये देखिए आप, अभी इस रोड पे इसका गेट नंबर एक आएगा। अभी गेट नंबर दो से हमने एंट्री करी थी, अब गेट नंबर एक पे हम आ जाएंगे जहां पे खड़े होकर शुरू में हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। ये गेट नंबर टू आ गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये गेट नंबर वन है। ये गेट नंबर वन है और वो गेट नंबर टू था जिससे अभी हम एंट्री करके आए हैं। तो अंसल गोल्फ लिंक की ये आगे सोसाइटियां चल रही हैं। अभी ये जो प्लॉटिंग है ये अंसल गोल्फ लिंक की है। ये जो देख रहे हैं, मैं जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बात कर रहा था, तो सबका पर्पज है कॉमर्शियल एक्टिविटीज में ही यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना। जो बाहर वाली रो है सब इसको कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप, अभी बिल्कुल सर्विस रोड पे हम चल रहे हैं, बिल्कुल सर्विस रोड है ये। बराबर में 60 मीटर की रोड जा रही है जो सीधा P3 गोल चक्कर पे जाती है। एक बार वो भी रोड भी आपको मैं दिखा देता हूँ इधर। ये देखिए आप, ये सभी 500 मीटर के प्लॉट्स हैं। और ये नॉर्मल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं जैसे होते हैं सोसाइटियों के बाहर। ये सभी ने कॉमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ कर रखी हैं। अभी आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों ने होटल्स बना रखे हैं अपने। सर्विस रोड के साथ साथ हम चल रहे हैं और सर्विस रोड के लास्ट में इसका एक प्लॉट है 14P, जहां गुरुदेव रियल इस्टेट का कॉरपोरेट ऑफिस है। तो ये देखिए आप, इन्होंने किस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इसको कन्वर्ट कर रखा है। और फिर उसके बाद ये देखिए आप आगे, इन्होंने भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, ये देखिए होटल कितना सुंदर बनाया है, इस आइकॉनिक होटल के नाम से ये होटल है। और ये भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इन्होंने कन्वर्ट कर रखा है। फिर उसके बाद ये बाउंड्री हो रखी है यहाँ पे। और ये कैनरा बैंक देखिए आप, ये बैंक है लेकिन ये भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कन्वर्ट है। उसके बाद अभी हम आ गए हैं
ये दफ्तर है गुरुदेव रियल इस्टेट का, ये ऑफिस गुरुदेव रियल इस्टेट का कॉरपोरेट ऑफिस है। तो साथियों अभी हमने जो आपको नॉलेज दी, ये आगे जाके अगर इस रोड से आप आगे जाते हैं तो ये P3 गोल चक्कर के लिए चली जाती है। अब एक बार थोड़ा सा लेआउट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है अंसल गोल्फ लिंक 1 का लेआउट, हम अभी लेआउट की बात कर रहे थे, तो ये है लेआउट अंसल गोल्फ लिंक 1 का। इसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे परचेज करना है या सेल करना है तो आप हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यमुना एक्सप्रेस वे और ग्रेटर नोएडा में वर्क करते हैं। हमारा कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस अंसल गोल्फ लिंक 1 में ही है, सर्विस रोड पे, AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1, नियर बाय यथार्थ हॉस्पिटल एंड यमुना अथॉरिटी। तो साथियों अगर आपको यहाँ सेल परचेज करनी है आप हमारी कंपनी से संपर्क करें। हम यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बेस्ट डील देंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो भी आप हमारी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी के नंबर स्लाइड करेंगे, उन दोनों नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको ग्रेटर नोएडा में किसी और सेक्टर की क्वेरी चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू और दोबारा से लेआउट का बता दूँ आपको। तो ये जो आप येल्लो लाइन देख रहे हैं, ये येल्लो लाइन सारे 500 मीटर के प्लॉट हैं। इसके बैक साइड में ये सारे 400 मीटर के प्लॉट हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये प्लॉट्स 300 मीटर के हैं। उसके बाद 250 मीटर प्लस 200 मीटर और 125 मीटर के प्लॉट्स सभी इसी में हैं। स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, और इस तरीके से यहाँ पे सभी चीज़ों की नीड के हिसाब से फुलफिल किया गया है अंसल गोल्फ लिंक 1 को। लोकेशन काफ़ी प्राइम है, लोकेशन का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप ग्रेटर नोएडा के लिए आ रहे हैं नोएडा एक्सप्रेसवे से तो सबसे पहला प्लॉट्स पड़ता है अंसल गोल्फ लिंक 1 का राइट साइड में, और जैसे ही अंडर पास लेके आप आते हैं राइट साइड में तो अंसल गोल्फ लिंक 1 कॉर्नर पे ही है। तो साथियों इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल किसी दूसरी वीडियो के साथ ग्रेटर नोएडा की सीरीज के अंदर, और अभी समाप्त करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।